नमस्कार दोस्तों, मैं स्थिति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। लगभग 2 हफ्ते पहले अपने पिता हिमांशु पांड्या को खोने वाले टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने उनको याद करते हुए एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है। ये एक पुराना वीडियो है जिसमें हार्दिक उन्हें सरप्राइज़ में एक बड़ी कार गिफ्ट करते हैं। जैसे कि हार्दिक के पिता को इस बात का पता चलता है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। हार्दिक ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, आप हमारे साथ यहाँ नहीं हो और ये सोचकर मुझे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन आपको मुस्कुराते हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चे को कैंडी मिल गई है और वो बहुत खुश है। मुझे ये सब याद करके बहुत खुशी होती है। लव यू डैड। बताते ये पहली बार नहीं है जब हार्दिक पांड्या ने अपने पिता को याद करके कोई पोस्ट या वीडियो शेयर किया है। उनके संसार को अलविदा कहने के बाद से ही वो और उनके भाई कृणाल पांड्या लगातार सोशल मीडिया पर अपने इमोशंस जाहिर करते रहते हैं। हार्दिक ने इससे पहले उनके साथ एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा था कि आपको खो देने की बात को मानना जिंदगी की सबसे कठिन चीज़ों में से एक है, लेकिन आपने हमारे लिए इतनी बड़ी यादें छोड़ दी हैं कि हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। आपके बेटे जहाँ खड़े हैं वे आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से है। आप हमेशा खुश थे, अब इस घर में आपके ना होने से एंटरटेनमेंट कम होगा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका नाम हमेशा टॉप पर रहेगा। हार्दिक की बात करें तो वो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट टीम से बाहर रहे पांड्या को इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया है। हालांकि उनके टेस्ट में खेलने की संभावना काफ़ी कम है क्योंकि स्पिनरों की मददगार पिच पर भारत एक स्पिनर ऑलराउंडर के साथ जाना चाहेगा। हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे और T20 सीरीज में हिस्सा लिया था। उन्होंने टीम को कंगारू टीम के खिलाफ T20 सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। वो इस सीरीज में मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए मन इंडिया।